हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सम्मिश्र संख्याओं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं और हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। आज तक हमने जितना पढ़ा है उससे हम जानते हैं कि x²-1 या x²-2 या x²-10 का कोई वास्तविक हल नहीं होता है। हमें ये भी पता है कि b²-4ac जब 0 से कम होता है तो भी हम हल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन दोनों का हल प्राप्त करने के लिए हमें सम्मिश्र संख्याओं का उपयोग करना पड़ेगा। सम्मिश्र संख्याओं को हम a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखते हैं, जहां पर a वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट और b काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। उदाहरण में हम देख सकते हैं 3-2 आयोटा, जहां पर 3 वास्तविक भाग हो जाएगा और -2 काल्पनिक भाग हो जाएगा। दूसरा उदाहरण 7 आयोटा, जहां पर 0 वास्तविक भाग हो जाएगा और 7 काल्पनिक भाग हो जाएगा। ऐसे ही 4+5 आयोटा, जहां पर 4 हमारा वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट हो जाएगा और 5 हमारा काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हम कब कह सकते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याएं समान हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। जब भी इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग आपस में समान होगा और काल्पनिक भाग आपस में समान होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं समान हैं। मतलब a इक्वल्स c और b इक्वल्स d। उदाहरण 4x+3y आयोटा इक्वल्स 8+24 आयोटा। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो 4x इक्वल्स 8, तो हमारे पास x 2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही 3y इक्वल्स 24, तो यहाँ पे हमारे यहाँ y 8 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम चार चीजें देखेंगे, सम्मिश्र संख्याओं का योग, अंतर, गुणन और भागफल। मान लीजिए हमें दो सम्मिश्र संख्याएं दी हैं, z1 a प्लस आयोटा b के बराबर और z2 c प्लस आयोटा d के बराबर। अब जब भी हम सम्मिश्र संख्याओं का योग लेते हैं तो हम दोनों सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक भाग को आपस में जोड़ देते हैं और उनके काल्पनिक भाग को जोड़ते हैं। जैसा कि उदाहरण में हम देख सकते हैं 2+2 आयोटा और -6+8 आयोटा का योग लेना है, तो हम 2-6+2+8 आयोटा लिखेंगे, जो कि -4+10 आयोटा के बराबर हो जाएगा। और सम्मिश्र संख्याओं का योग और अंतर काफी समान होता है। अंतर लेते समय भी हम दोनों के वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का आपस में अंतर ले लेते हैं, जैसे कि 2+2 आयोटा -6+8 आयोटा हो जाएगा 8-6 आयोटा के बराबर। अब हम सम्मिश्र संख्याओं का गुणन देखते हैं, z1 × z2 a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इसके बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हम a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आयोटा b को c से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो z1 × z2 आ जाएगा ac-bd प्लस आयोटा टाइम्स ad+bc। उदाहरण में हम देख सकते हैं 2+2 आयोटा × -6+8 आयोटा -28+4 आयोटा के बराबर आ जाएगा। अब हम सम्मिश्र संख्याओं के भागफल पे बढ़ते हैं। मान लीजिए दो सम्मिश्र संख्याएं a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d का भागफल लेना है, तो हम ऊपर नीचे इसे c-iota d और c-iota d से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारे पास इसका भागफल आ जाएगा AC प्लस BD प्लस आयोटा टाइम्स BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। उदाहरण में हम देख सकते हैं 2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 + 8 आयोटा हो जाएगा 4 - 28 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 के बराबर। चलिए अब हम आयोटा की पावर यानी घात के बारे में पढ़ेंगे। जब आयोटा की घात 4 के बराबर होती है तो ये 1 के बराबर हो जाता है। आयोटा की घात 4 के + 1 आयोटा के बराबर, आयोटा की पावर 4 के + 2 - 1 के बराबर, ऐसे ही आयोटा की पावर 4 के + 3 - आयोटा के बराबर हो जाता है। इसका उदाहरण होगा जैसे कि आयोटा की पावर 6 को हम आयोटा की पावर 4 + 2 लिखेंगे तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। आयोटा की पावर 13 को हम आयोटा की पावर 12 + 1 लिखेंगे जो कि आयोटा के बराबर हो जाएगा। और आयोटा की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन आयोटा को हम ऊपर नीचे जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये -आयोटा के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी सम्मिश्र संख्याओं के मापांक यानी मॉड्यूलस और संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम मॉड्यूलस यानी मापांक के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक को ऐसे दर्शाया जाता है, इसे हम मॉड ऑफ जेड कहते हैं। मान लीजिए हमारी सम्मिश्र संख्या है a+iota b, तो मॉड ऑफ जेड हो जाएगा √a² + b²। उदाहरण देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 2 + 6 आयोटा बराबर हो जाएगा √2² + 6² यानी कि 40। ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ 3 - 2 आयोटा बराबर हो जाएगा √3² + -2² यानी 9 + 4 = 13। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी सम्मिश्र संख्याओं के कॉन्जुगेट की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी सम्मिश्र संख्या के कॉन्जुगेट को ऐसे दर्शाया जाता है, इसे हम कॉन्जुगेट ऑफ जेड कहते हैं। अब हमारी सम्मिश्र संख्या जेड a+iota b के बराबर है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a - iota b। कॉन्जुगेट में हम किसी भी सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का नेगेटिव ले लेते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में 2 + 6 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 6 आयोटा। ऐसे ही 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + 2 आयोटा और -1 - iota का कॉन्जुगेट हो जाएगा -1 + iota। चलिए अब हम आर्गन प्लेन यानी आर्गन तल के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन तल पे दर्शा सकते हैं। जैसा कि मान लेते हैं हमारी सम्मिश्र संख्या है a+iota b, तो a को हम x अक्ष पर दर्शा सकते हैं, ऐसे ही b को हम y अक्ष पर दर्शा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमारी सम्मिश्र संख्या -4 + 3 आयोटा है, तो हम -4 को x अक्ष पर दर्शाएंगे और 3 को y अक्ष पर दर्शाएंगे। तो चलिए अब हम सम्मिश्र संख्याओं के ध्रुवीय निरूपण यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। हमारा जो x अक्ष होता है यानी कि x एक्सिस, उसे हम वास्तविक अक्ष कहते हैं और जो y एक्सिस होती है यानी कि y अक्ष, उसे हम काल्पनिक अक्ष कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि हमारी सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू x+iota y के बराबर है, जहां पर x r cos थीटा और y r sin थीटा के बराबर है। अब हम देखते हैं r क्या होता है। r हमारा होता है मॉड ऑफ z, इसे हम z का मापांक भी कहते हैं, जो कि बराबर होता है √x² + y² के। और ये जो हमारा थीटा है इसे हम कोणांक या आयाम कहते हैं।
आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सम्मिश्र संख्या 1 + √3i को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर 1 हो जाएगा r cos थीटा के बराबर, क्योंकि वो x अक्ष पर आता है, और √3 हो जाएगा r sin थीटा के बराबर, क्योंकि ये y अक्ष पर आता है। तो अब हम इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे और इसे ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा r² cos² θ + r² sin² θ = 1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर। तो हमारा r² आ जाएगा 4 के बराबर और r आ जाएगा 2 के बराबर। फिर हमारा cos θ आ जाएगा 1/2 के बराबर और sin θ आ जाएगा √3/2 के बराबर। इससे हम देख सकते हैं कि थीटा जो है वो आ जाएगा π/3 या फिर 60 डिग्रीज। तो 1 + √3i को हम लिख सकते हैं ध्रुवीय रूप में 2 cos π/3 + 2 sin π/3। हमने सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि b² - 4ac जब 0 से कम होता है तो हमारे पास कोई वास्तविक हल नहीं होता है। पर अब जब हमने सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे b² - 4ac नेगेटिव होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 4ac - b² * i, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा √-1 होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है x² + x + 1 = 0। हमें यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे a b और c तीनों 1 के बराबर हैं, तो b² - 4ac - 3 के बराबर हो जाएगा, और x - b + √b² - 4ac / 2a के बराबर होता है, जो कि -1 + −√-3/2 के बराबर होगा, जिसे हम -1 + √3 * i/2 के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा होता है √-1। चलिए अब हम शब्दावली यानी वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं। इसके माध्यम से हम कुछ नए शब्द सीखेंगे और वाक्यों में उनका प्रयोग भी देखेंगे। पहला शब्द एम्पैथी, मतलब द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बीइंग सेंसिटिव टू फीलिंग ऑफ अदर्स। हिंदी में इसे हमदर्दी कह सकते हैं। इसका उदाहरण होगा ही फील्स ग्रेट एम्पैथी विद द पुअर, मतलब उसे गरीब लोगों से काफी हमदर्दी है। दूसरा शब्द अपेरेंट, मतलब क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, या फिर ऑब्वियस। हिंदी में हम इसे प्रत्यक्ष भी कहेंगे। उदाहरण द डेंजर वॉज नॉट अपेरेंट, मतलब खतरा प्रत्यक्ष नहीं था। तीसरा शब्द हीड, मतलब पे अटेंशन टू या फिर टेक नोटिस ऑफ। हिंदी में इसे ध्यान देना कह सकते हैं। उदाहरण नो वन पेड हर एनी हीड, इसका मतलब होगा उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।